सब्सक्राइब कीजिए सैफ क्रैकर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप पाए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू सैफ क्रैकर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग अपने फ़ोन स्टोरेज से तंग आ चुके हैं, यानी वो जल्दी जल्दी इंक्रीज़ होता है, तो आज मैं आपके ऐसे दो सोल्यूशन लेके आया जिससे आपके जो फ़ोन स्टोरेज है वो जल्दी इंक्रीज़ नहीं होगा। और ये आप तब करें जब आपका मोबाइल डेटा जो है इंक्रीज़ हो, तो आप डिक्रीज़ कर सकेंगे। इसमें कुछ फालतू फाइल्स हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है हर फ़ोन में सेटिंग ज़रूर होता है, तो आपने खोलना है सेटिंग अपने फ़ोन की सेटिंग। तो चलिए मैं खोलता हूँ। हर फ़ोन की सेटिंग अलग होती है, तो आपने अपने सेटिंग में स्टोरेज उसमें जाना है। तो चलिए मैं स्टोरेज में जाता हूँ। यह हमारा स्टोरेज और हम स्टोरेज में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में कितना GB बाकी है, मींस मैंने कितना यूज़ किया है। 31.04 GB आउट ऑफ 32 GB, यानी मैंने 31,440 MB मैंने यूज़ किए 32 GB में से। तो पहला ट्रिक ये, तो आपने इंटरनल स्टोरेज यानी इस तरह कुछ इंटरफेस में जाना है। अगर आपके स्टोरेज में ऐसा इंटरफेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में कितना GB अवेलेबल है, कितना यूज़ हुआ हुआ है, कितना सिस्टम है, मेमोरी है, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये यूज्ड स्पेस अदर और कैश डेटा, ये कैलकुलेट हो रहे हैं दोस्तों। तो इसमें से आपने काम करने पहला ट्रिक ये यूज़ होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कैश डेटा 10 MB है। अगर आपको पता नहीं है कैश डेटा क्या, ये जो ऐसे फाइल्स होते हैं जो अननेसेसरी फाइल्स है जो आपके फ़ोन में काम नहीं दे रहा। तो चलिए दोस्तों आप कैश डेटा आपने डिलीट कर देना है। मेरे तो 10 MB है, आपके शायद ज़्यादा हो, तो आपने इस पर क्लिक करके इसे डिलीट पर क्लिक करके आपने इसे डिलीट कर देना है। आपके फ़ोन में शायद ये 400 या 500 MB तक हो, आपने ज़रूर इसे डिलीट कर देना है। तो ये थी मेरी पहली ट्रिक। और दूसरी ट्रिक मैं आपको बता दूँ, दूसरी ट्रिक आपने करनी है माई फाइल्स में जाना है। माई फाइल्स पर मैं इधर से भी जा सकता हूँ एक्सप्लोर पर क्लिक करके। तो चलिए मैं जाता हूँ माई फाइल्स पर। माई फाइल्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ फोल्डर्स है यहाँ पर जिसके पहले डॉट लगे हुए, जैसे वो आप देख सकते हैं डॉट डेटा स्टोरेज, ये वाला फोल्डर, इन सब फोल्डर्स को आपने डिलीट कर देना है। जिस फोल्डर के पहले भी डॉट आ रहा हो तो आपने उसे डिलीट कर देना है दोस्तों। मेरे तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं, आपने इसे डिलीट कर देना है। अगर आपके माई फाइल्स पर ऐसे फोल्डर नहीं है, तो आप यानी आपका जो स्टोरेज है वो ऐसा ही रहेगा, फिर आप कैश डेटा ही सिर्फ डिलीट करते जाए। तो मैं डिलीट कर लेता हूँ इन डॉट वाले फोल्डर्स को। स्क्रॉल करने जाना है इसे आपने दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी फोल्डर्स आपको मिलेंगी। आप चलिए मैं डिलीट कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ आगे कौन से तरीका यूज़ होगा, मैं आपको बता दूँ। फिर पहले इसे डिलीट कर लेते दोस्तों। मेरे ख्याल में आपके फ़ोन में इतने फोल्डर्स नहीं होंगे, तो चलिए मैं डिलीट कर लेता हूँ। शायद ज़्यादा भी आपके फ़ोन में डिलीट करके आप स्टोरेज देख सकेंगे कितना स्टोरेज आएगा। ये डॉट और भी नीचे आना है। और यहाँ पर जो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है, जो लास्ट में आपके जो ये हैं फोल्डर्स है कुछ, ये फोल्डर नहीं डॉक्यूमेंट्स है कुछ, तो आपने इसे भी डिलीट कर देना है और आपकी जो स्पेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर फाइल्स देख सकते हैं, जो फालतू फाइल्स है 2812 है। ये दोस्तों अगर आपको पता नहीं है, ऐसे फाइल्स है जो आपके फ़ोन को बिल्कुल काम नहीं देती, ये फालतू है, ये कचरा है, सब कुछ इस शायद आपके फ़ोन में वायरस भी आ जाए। तो दोस्तों इसे डिलीट करने के बाद आपके एक और फ़ायदा भी, आपके जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है वो कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा। और दोस्तों आपके जो फ़ोन में वायरस है शायद इसी वजह से ही ये बढ़ गया है, वो वायरस भी कम कर देगा और आपके फ़ोन के जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये डिलीट होने लगे है, तो ये डिलीट हो गए दोस्तों। और आपने सेटिंग पर जाना है, इसका जो स्पेस है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आपके फ़ोन स्टोरेज का जो स्पेस है वो कुछ चंद सेकंड्स में ही आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो डिक्रीज़ हो गया, हमारे पास और भी स्पेस आ गया। तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी चंद सेकंड्स लेके, तो दोस्तों हम वीडियो इधर ही ख़त्म कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको क्या इशू इन दो सोल्यूशन से। दोस्तों मैं आप फिर ऐसी वीडियो से लेकर तो रहूँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।